नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। रोज मरता हूँ उनके मुर्दाबादों में, फिर भी जिंदा हूँ उनके मुस्कानों में। जी हाँ, यह बयान है ओपी त्रिपाठी जी का। ये कह रहे हैं ओपी त्रिपाठी, बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी जी, जहाँ पे 2 साल कार्यकाल अपने पूरा होने पर तहलका न्यूज के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बेबाक से अपनी पूरी बातों को रखा और कहा कि 2 सालों में क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, ये देखें एक रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा। जारी है सफर और हौसले बुलंद, सबसे ज्यादा सबसे सटीक, न डर न भय, हम सब की आवाज सबसे तेज सिर्फ तहलका न्यूज पर, तहलका न्यूज पर, तहलका न्यूज, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन 2 वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं? आपको भी बधाई। सबसे पहले तो मैं बेसिक शिक्षा परिवार से जुड़े सभी सम्मानित महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया, जिसके बदौलत बेसिक शिक्षा मऊ एक नई ऊंचाई की ओर प्राप्त किया और हम लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे शिक्षक सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं और मिशन पहचान, जो कि बच्चों के ज्ञान से बच्चों की पहचान थी, आज वही मिशन पहचान गुरु जी की पहचान बन गई है और विद्यालयों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बनी है और गांव में जो लोगों का नज़रिया था सरकारी स्कूल के प्रति वो बदला है। लोग अब सरकारी स्कूल को बेहतर मान रहे हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। निश्चय ही हम लोग सफलता की ओर बढ़े हैं, किंतु हमें आगे और बढ़ते जाना है, निरंतर प्रयास करना है और मऊ को प्रदेश का ही नहीं, एक देश का एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिलाना है। पुनः मैं एक बार अपने बेसिक शिक्षा परिवार के सभी कर्मठ शिक्षकों के प्रति दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनसे सहयोग और समर्थन की आशा करता हूं कि कदम से कदम मिला के हम चलेंगे तो मऊ को निश्चित ही एक देश की सर्वोच्च शिक्षा प्रणाली बनाएंगे। निसंदेह ये 2 वर्ष मऊ जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, लेकिन कुछ शिक्षकों की शिकायत है कि प्रमोशन जैसी ज्वलंत समस्याएं यहाँ हल नहीं हो पाती है। प्रमोशन में ये जिला फिसड्डी माना जाता है, ऐसा क्यों? मैं जब इस जनपद में कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे याद है 2 ही महीने के बाद मैंने वरिष्ठता सूची जारी कर दी थी और डायट प्राचार्य जी की अध्यक्षता में बैठक भी करा लिया था। उसी दिन जिस दिन बैठक हो रही थी उसी दिन बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कार्यालय से ये निर्देश आया कि पदोन्नति से संबंधित कोई अग्रिम कार्यवाही न की जाए और वो स्थगन आदेश अभी भी है। हम लोगों ने दिशा निर्देश मांगी है, जैसे ही वहाँ से कोई निर्देश आता है तो हम बिल्कुल करेंगे। हम तो चाहते ही हैं कि गुरु जी पूरे हौसले के साथ और उन काम करें और हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका नियमानुसार निदान किया जा रहा है। मैं तो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और गुरु जी भी प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो रोज मरता हूँ उनके मुर्दाबादों में, रोज मरता हूँ उनके मुर्दाबादों में, फिर भी जिंदा हूँ आप सबकी मुस्कानों में।